सारे भाइयों राम राम भाई भाई। आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है साहिल खान और मनोज पाटिल भाई की। मनोज पाटिल भाई बहुत सीनियर बॉडी बिल्डर है हमारे, और उससे पहला एक कंट्रोवर्सी चल रही थी संग्राम चौगले भाई की और इस साहिल खान ने की, तो वो भी बहुत सीनियर बहुत नामी ग्रामी बॉडी बिल्डर है। तो एक वीडियो बनाई थी रामनिवास मलिक भाई ने, बड़े भाई ने, रविंद्र मलिक भाई ने, जो बहुत तगड़े एथलीट हमारे हाल फिलहाल के भी, और भाई ओवरऑल इंडिया टाइटल विन करया क्या एक भाई रामनिवास मलिक भाई ने, रविंद्र मलिक भाई ने साउथ एशिया ओवरऑल टाइटल विन कर रखा। और भाई बात है कि सुसाइड अटैम्प्ट करया था मनोज पाटिल जो बॉडी बिल्डर सीनियर एथलीट है, उसने साहिल खान के टॉर्चर करने के ऊपर। तो भाई सुने तेरे तो कुछ कही भी ना थी जब तना उन दबाव घेर दिया हम भाई हरियाणा थे। रामनिवास मलिक भाई भी, भाई रविंद्र भाई भी, मैं भी, और बहुत सारी वीडियो आऊंगी बतरी पर। तू एक ने भी टॉर्चर करके दिखा दिया, एक पर दबाव डाल के दिखा दिए, तेरा मान जाएंगे भाई तू कुछ है। पहली बात तू कुछ है ना, तेरा नाम मैं क्यों लेना, पर मजबूरी बन गई तेना बॉडी बिल्डर के बारे में कह दिया, तेरे बारे में बढ़िया कहवांगे भाई, तेने बतावांगे तेरी औकात की है। तू नरे गुटके खानी अगर इनका फिटनेस यूथ फिटनेस आई करना, इनका जो यूथ है ना ठीक है, कोई भी तगड़ा बालक तने कुछ भी ना मानता, घंटा नहीं समझता तने, ठीक से बिना बात के तू अपनी पेज पर ना मटा के लेके रहा तू साहिल खान यूथ फिटनेस आई करना, क्या फिटनेस आई करना, तू आइया आदमी है तू, तने क्या पता फिटनेस के बारे में भाई है, फिटनेस के बारे में जानना दिन तो जानो ना, जो 15-15, 20-20 साल हो गए फिटनेस लाइन में, तो भाई इसने क्यों फॉलो करो तुम, क्या फिटनेस आई करना, क्या डेल इंजीनियरिंग है यो, किराए पर लड़के लिया हुआ है यो, दिखा दे तुम मान लो भाई, ये तो पता नहीं क्यों हो गया, कुछ भी ना है यो, धोखाधड़ी करी ना दुनिया गिल्ला। और इसका नाम कितना चल रहा, फिल्म में गया दोनों फिल्म इसकी फलोप ठीक है, उसके बाद यो तारे मारे जिसे भैया ने सच्चे भाई फिटनेस लाइन तो जुड़ रहा आदमी और कामयाब हो गया, तो इसमारे तुम देखने लग गए, तेरी औकात का पहला पट्ट है, तू तो सांप है जी दूध पीवा उड़ाया कर मैं डंक मारे है, फिटनेस वाले बड़का ने तू चलाया, उन्होंने तेरा नाम चलाया, 2 रुपये का तेरा ब्योत कराया है, 2 पैसे तेरे पास खर्चने के हो गए, तो आज तू बॉडी बिल्डिंग ने बदनाम करा, ये तेरा पता चल लगा, ईब करिए तू बिजनेस, ई बेचिए तू पानी और ई बेचिए पीनट बटर, जो ये मारे जिमाले भाई है ना ये मान ले चुप है तो चुप न्यू है, इन कोई ये सोचे मेहनत करी अच्छी डाइट खाई और अपने घर आ जाकर रेस्ट कर लो, अगले दिन फिर बढ़िया मेहनत करनी है, इस मारे किसे तो कुछ ना कहते ना, तो तेरे तो अच्छी बॉडी तो हर किसे की है भाई, हर किसे की, जो गेम भी नहीं करते ना सही तरीके से वे भी तेरे तगड़े हैं भाई, गेम करने वाला कहते जिक्र छोड़ दे उनके बराबर में तू कदे खड़ा नहीं हो सकता, तेरी औकात नहीं, और चड्डी पहन का वो खड़ा होगा जिसके ऊपर से नीचे दी बॉडी एक जैसी है, जो तगड़ा है वो चड्डी पहन के खड़ा होगा भाई, जिसने अपने थोड़ा बहुत प्राउड है कि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, मैं जाके लड़के के बीच में खड़ा हो सकूं, तन्ने भी करी दिया एक बटराई, तेरा भी सुनया है कि तू एक बार डिस्ट्रिक्ट खेलने गया था, वहां जब तूने वेट दिया दूसरे लड़कों ने टिकट निकाले ना वेट देते टाइम, तू वहां से वापस भाग गया था भाई, ट्रेनिंग करी मैंने लगाई गई थी तेरे से, डर गया था तू, वो तेरी ऐसी ऐसी बॉडी होती है ये सोच कर तू वहां से वापस आ गया था। और बात रही भाई पहली बात, यो कोई कुछ भी फिटनेस आई करने फेक है, यो जीरो आदमी है, इसने देख कर तो हमारा यूथ खराब होगा, मेहनत करने की कमाने खाने की नहीं सोचेंगे वे, आईएसी करने की सोचेंगे घर के आगे पैसे पे, फिटनेस आइकन वो है जो कामयाब है जिसकी बालक इज्जत करे हैं, जो फिटनेस लाइन के बालक जिसकी इज्जत करेंगे ना वो कामयाब है भाई, उसकी इज्जत है रियलिटी में, गुटके खाने वाले फॉलो करे थे कोई आदमी सुपरस्टार ना बनता, और आज तक जब तक तू संग्राम चौगले के सर के खिलाफ नहीं बोल रहा था भाई, मनोज पाटिल भाई के खिलाफ नहीं बोल रहा, शायद हम भी तेने कुछ नहीं सोचा ठीक है भाई अपना कमा खा रहा कोई दिक्कत ना, पर ये ना भाई ना तो मैं, मेरा तो मतलब छोड़ो, जो मेरे भाई है ना जो मेरी सोचना पसंद कर रहे हैं, जो भाई रामनिवास भाई ने अपना आइकन मानना है, मलिक भाई की इज्जत कर रहे हैं, संग्राम चौगले भाई ने अपना आइकन मानना है, जो रियल टीम आइकन है जिन्हें अपनी जिंदगी के 15-20 साल दिए हैं इस खेल तय, जिन्हें पता है बॉडी कैसे बनी, उन तो जो सलाह लेने वाले हैं जो उन अपना बड़ा समझा है वे तेने घंटा नहीं समझा, तेरे कैसे 100 अंडे भाई ध्यान भी ना देता कोई, ये बड़े बड़े चश्मे ला के तू लोग दिख जाए किसी ने मतलब ना तेरे थे भाई,
तेरा बहम बहम है जो सिर्फ, और तेरा बहम निकल जाएगा कदे यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट उतर के कहीं भी चले जाइए इधर उधर, दिल्ली के NCR में चले जाइए, हरियाणा की साइड आ जाइए, तेरा पता लग जाएगा तेरी औकात कितनी है और तने के समझे है। और मेरे ख्याल में तो ये भी कंट्रोवर्सी रहेगी जब तक ये आइए मत भाई, तने बहुत घना पीटेंगे बालक, तने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे भाई। और हाँ प्रेशर डाल ले तू है, डाल ले थोड़ा प्रेशर, ये हरियाणा वाले 3-4 हरियाणा वाला ने वीडियो बना दी भाई, प्रेशर डालिएगा दीवो कुछ पर, मैसेज करके देख लिए बताऊंगे तेरे तेरी औकात की है। और ये मुंबई वाले भाई हैं, ये अपने महाराष्ट्र वाले हैं, ये थोड़ा एकता दिखाओ ना इसको, करो इसका इलाज, क्या सौदा है इसका, क्या सिस्टम है भाई, कुछ भी ना है। इज्जत उसकी है जिसके पीछे मेहनत करने वाले एक्सरसाइज करने वाले लड़के जिसको फॉलो करते हैं ना, उसकी इज्जत है भाई। चाहे 10,000 भी है तो 10,000 बहुत ज्यादा है, शहर के गणे चुने बच्चे प्रैक्टिस करे हैं जिम्मा में। और रही बात भाई जो छोटे भाई हैं वे सुन लो मेरी, ये मत मान के चालियो कि मारे तो कुछ ना कही, इसने तो बॉडी बिल्डिंग वाला तो कही है भाई, जो तुम आज जिम में गए हो ना और 5-4 साल पीछे तुम्हारी बॉडी परफॉर्मेंस देगी और तुम भी बॉडी बिल्डर बनने की सोचोगे, हालांकि जो सोचोगे जो मेरे साथ हुआ है मेरे सीनियर्स के साथ हुआ है, सब स्टार्ट में अपनी फिटनेस के लिए जाते हैं जिम में, बॉडी ग्रोथ करती हो तो हम बॉडी बिल्डिंग लाइन में आ जाते हैं। तो छोटे भाई हो तुम भी सुन लो, इसका अच्छी तरह बायकॉट करो, इसके न कंपनी है जो जिसका ये ऐड करता है उस कंपनी का कोई पीनट बटर नहीं खरीदेगा, उस कंपनी का कोई जो ये आम पब्लिक है हमारी जो इसको थोड़ा फिटनेस की तरह देखती है कि हाँ भाई अच्छी फिटनेस है और ये ऐड करता है वो पानी भी खरीद ले इसका, भाई मत खरीदो भाई, मत खरीदो, मत किसी ने इस लेवल पे ले आओ कि वो बोल सके भोंक सके, जो कुत्ता था भोंक के चला गया, पर इसकी बात पिंच होगी, हर गेम करने वाले को पिंच होगी। और भाई सारे भाई याद कहूँगा, पहली बात तो रामनिवास भाई की वीडियो शेयर करो, रविंद्र भाई की करो, मन्ने वीडियो बनाई मेरी भी शेयर करो, और मैं और मेरे बड़े भाई छोटे भाई सब थे जो भाई कुछ मानने हैं शर्म करे हैं, जो भी इसके खिलाफ में वीडियो बनाऊंगा हम शेयर करांगे भाई, मराक है हम दिखावांगे हमारी साइड कितनी एकता है बड़का में, जो हमारी साइड के बच्चे हैं कितने एक साथ चल रहे हैं। तू कभी तेरी औकात ना अपने के लिए यहाँ आके देखिए एक बार, बॉडी बिल्डिंग में बदनाम करने की मत सोच, तेरा खुद का कोई स्टैंड नहीं, तू बदनाम करेगा बॉडी बिल्डिंग को, बॉडी बिल्डिंग साफ सुथरा खेल है, बहुत लंबे टाइम का खेल है, और जो इसमें अपनी जिंदगी दे रहे हो तेरे जो कुत्ते की बात ना सुने, तेरे तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे, पिछली बार ना बोल रहे थे पर अब की बार हर कोई बोल लेगा तेरे बारे में। हर भाई वीडियो बनाओ भाई, छोटे हो बड़े हो, कम फॉलोइंग है ज्यादा फॉलोइंग है, वीडियो बनाओ सब, जिसने जितने आदमी जाना है सर्कल में आदमी इसको अनफॉलो करो भाई, इसकी इसकी औकात दिखाओ इसको, फिर क्या रह जाएगा जब हम फिटनेस वाले इन दूर हट गए, कोई इसने सपोर्ट नहीं करेगा तो इसके पास क्या रह जाएगा, वे गुटखा खानिया जो रमनोस भाई ने कही थी मिठे मिठे भाई गुटखा खाने वाले ये रह जाएंगे इसकी लाइन में, फेक फेक है फेक, कुछ फिटनेस आई करनी कहा फिटनेस है भाई, कुछ फिटनेस ना आया इस तरीके की, इन फोटो देख के बहका हिम्मत आओ, देखो अपने भैया की फोटो मेरे भी देख लो, रामनिवास मलिक भाई बड़ा भाई उसके देख लो, उनके टाइटल देख लो, और भाई जो बड़े छोटे भाई है सब वीडियो बनाओ उसके खिलाफ, हम शेयर करांगे, हम दिखावांगे हमारे में एकता है, हम इसने इसकी औकात दिखावांगे बढ़िया तरिया, जब इसने पता लग जाएगा ये सोच समझ के बोलेगा। और जिस भी स्टेज पे जाओगा आने वाले कंपटीशन में एक की ऐड करने लग रहा है उस स्टेज पे जाओगा, और अब भी अगर इसने जजिस बुलाते हैं ना कंपटीशन स्टेज पे इसको खड़ा करते हैं तो मान लेंगे भाई बॉडी बिल्डिंग की इज्जत कोई भी ना करता, वे जो जजिस होंगे ना वे भी बॉडी बिल्डिंग की इज्जत नहीं करते, वे भी रिस्पेक्ट नहीं करते अगर इसको बुला लिया तो, बाई चांस बुला लिया और हम खेलने चले गए क्यों, हम तो तैयारी करेंगे भाई इसके ऊपर खेलना थोड़ी छोड़ देंगे, हम खेलने चले गए हमारी पोजीशन आती है, अगर ये किसी को अवार्ड देने आता है तो इसके मुंह पे इसको बोल लो भाई तू है कौन है क्या तू, ना चाहिए हमने ऐसा अवार्ड, वहां से नीचे उतरेगी वो वापस, वीडियो बनेगी सबने पता लगेगा इसकी औकात का, कोई इसके हाथ अवार्ड नहीं लेगा, जो हमारे सीनियर्स की इज्जत नहीं करता हमारी कहां से करेगा, सब सोचो ध्यान दो इस बात पे, कर दो इसने ब्लॉक, इसकी औकात दिखाओ इसने, साला कुत्ता भोंकता रहे डेल बिंजीरी ने बनाएगा ये इंडिया का कुछ ना है यो। और थोड़ा बहुत अपनी औकात देखनी थी साइड आ जाइए जी, साइड तगड़े बालक हुए हैं जो नेचुरली है ना फिट,
जो जन्म लेती है फिट हो जाए उस साइड आ जाइए, हरियाणा पंजाब यूपी दिल्ली और वहाँ महाराष्ट्र में आगे लड़के भी दिखा देंगे तने तेरी औकात, ठीक है तने पता लगेगा फिटनेस क्या होती है, फिटनेस आइकन क्या होता है, लिख दिया अपने पेज पर तू बन गया फिटनेस आइकन। और जो भाई हाँ जो बॉडी बिल्डिंग ना भी करते फिटनेस आइन से जुड़े हुए जो अपने नाम के पीछे फिटनेस लिखते हैं सब वीडियो बनाओ इसके खिलाफ, और किसी बात मारी इसने तुम जैसे कह गए, मनोज पाटिल और संग्राम चौगले सर तो बहुत बड़े हैं, जब उन इतने सीनियर्स की इज्जत नहीं करी तो तुम्हारी क्या इज्जत करेगा, किसी को स्पॉन्सर करता 5-7 हज़ार रुपये उसको भी बोल देता नौकर है मेरा 5-7 हज़ार पीनट बटर देगा जो ऐड करवाता है ना, ये मतलब इसका कुछ कुछ ना इसका पीनट बटर संड्रोप का खा लिया करो, बहुत बढ़िया है मसल बलेज का खा लो और बहुत सारी कंपनी है, ब्लॉक करो इसको, इसके खिलाफ वीडियो बनाओ, इसको दिखाओ, इसको मेंशन करो कमेंट्स में, इसको पता लगना चाहिए भाई उस साइड के लड़कों ने एकता दिखाई है, और जो भी मेरे भाई हैं छोटे बड़े सब वीडियो गिर रहे हो इसके खिलाफ, हम शेयर करेंगे सब के सब मिलकर, हम बताऊंगे इस तीन यो के है क्या का फिटनेस आई करना, किसी के ही फोटो से कंपेयर कर लिए ना तो एडिट करा करे कोई बॉडी बिल्डिंग वाला, और बैम निकालना तो तू वहां जागा जिस स्टेज पे उनके बराबर में किसी लड़के बराबर टी शर्ट निकाल लिए पता लग जाएगा तू क्या, तो राम राम भाई सारे भैया ने ये बात कहने दी, शेयर कर दियो भाई सारे भाई, बढ़िया बढ़िया कमेंट करो इसके खिलाफ में, इसने मेंशन करो कमेंट्स में, बताओ ये क्या है, सबने राम राम।